तो आंध्र तुम्हारा सही आ जाएगा। हम बिहार एजुकेशन सर्विसेज ज्वाइन करके समाज के हर वर्ग के लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं। बेहतर कानून व्यवस्था के लिए हम ज्वाइन करेंगे बिहार पुलिस सर्विस और अपने ज्यूरिसडिक्शन में पावर का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये लोग देख रहे हैं बिहार को बेहतर बनाने का सपना, और सपनों को सच करने के लिए महंगी कोचिंग फीस देना जरूरी नहीं, ना कि टॉप टीचर्स के साथ घर बैठे होगी बीपीएससी की तैयारी। डाउनलोड करो टेस्ट बुक ऐप। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका टेस्ट बुक के सुपर कोचिंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। टेस्ट बुक और मैं अभिषेक मिश्रा साथ हैं आपके आखिरी बार करने के लिए। आपको पता है डेट्स आ चुकी है, एडमिट कार्ड निकल चुका है। कल की क्लास में हमने एक छोटा सा स्ट्रेटजी बताया कि आपको कि कैसे क्या करना है एग्जाम के लिए, उसको जरूर फॉलो करिएगा। बिना किसी लापरवाही के उसको जरूर करिएगा। और मैं बता दूं आप लोगों को कि पीवाईक्यूज को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को छोड़कर चलना मतलब अपने आप को कॉम्पिटिशन से बाहर निकालना। मैं बार बार बोलता हूं आपको, तो पीवाईक्यूज को तो छोड़ना ही नहीं है, इसीलिए ये नहीं किया तो क्या किया, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, हम हैं टेस्ट बुक सुपर कोचिंग, क्रैक करने के लिए, आपको मदद करने के लिए बीपीएससी और अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स सुपर टीचर्स के साथ। सुपर टीचर्स जैसे राहुल चंद्रा सर, आनंद श्रीधरम सर, गुरु रहमान सर, ये सब, इन सब टीचर्स ने ऑफलाइन कोचिंग्स में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। हजारों हजार बच्चों को कई सालों से पढ़ाकर अब आप लोगों के लिए टेस्ट बुक में शामिल हो चुके हैं। इन सबके आपको रिकॉर्ड क्लासेस हम लोग जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस लेकर आएंगे, और आपको मिलेगा इन सब के, इन सब का 25 प्लस वीडियो कोर्सेज, 250 प्लस स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, 1000 प्लस डेली लाइव क्लासेस एट अ वेरी मिनिमम प्राइस ऑफ 583 रुपीस पर मंथ। 6999 का ये 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे ए मिश्रा, तो बच्चे आपको मिल जाएगा 20-30% का डिस्काउंट, या हो सकता है उससे ज्यादा का भी डिस्काउंट मिल जाए। राइट, जैसे आज अगर आपने आज और कल ज्वाइन किया तो आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। ठीक है, आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे ए मिश्रा, और 25% का वैलिडिटी, एक्स्ट्रा वैलिडिटी। मतलब एक साल का कोर्स, एक साल 3 महीने के लिए आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। राइट, लेट नहीं करना है, ये ऑफर केवल 22 और 23 तक के लिए है। ठीक है, लॉयल्टी सेल है ये। इसको मिस नहीं करना है आप लोग। राइट, वॉइस एको कर रही है। अच्छा जी, अब ठीक है, अब ठीक है ना बच्चा। गुड मॉर्निंग प्रीति, अंकिता,
आप सही है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए इन सारी की सारी इंफॉर्मेशन के साथ ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, इसको फटाफट ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए आपको ये, आप ये कोड भी यूज कर सकते हैं, अभिषेक मिश्रा सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक का क्यूआर कोड, इस पर आप क्लिक करिए, ज्वाइन करिए, मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बेटा कौन सी है? हिमालय, एल्प्स, रॉकी या एंडीज, या उपरोक्त में से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज? फटाफट बताइए बेटा। जी हां, इसका आंसर है एंडीज, बिल्कुल सही आंसर आया है, एंडीज इसका आंसर है। और जब हम एंडीज की बात हम यहां पर करें, है ना, जब हम यहां पर एंडीज की बात हम करें तो ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। कहां पर है ये? ये साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट पर है। ये सात देशों को जोड़ती है जिसमें शामिल हैं अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला। इसकी लेंथ जो है वो लगभग 7000 किलोमीटर की है। एंडीज की जो हाईएस्ट पीक है मेरे बच्चे वो है माउंट अकानागुआ, 6959 मीटर की है, जो कि बॉर्डर पर है अर्जेंटीना के। समझिएगा, एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन निकालेंगे हम। ये क्या है? ये एक वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है। और फोल्ड माउंटेन की जब हम बात कर रहे हैं, ये तब निर्मित होता है जब दो प्लेटें आपस में क्या होती हैं? कन्वर्ज होती है मेरे बच्चे। ठीक है ना, ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जब इसमें अभिसरण होता है, है ना, तब ये कन्वर्ज होती है। क्लास को शेयर करिए ताबड़तोड़ सभी लोग, किसी से दुश्मनी मत निभाइए, सभी लोग क्लास को शेयर करिए। ठीक है दोस्तों यारों तक, देखिए लास्ट टाइम पर ये ऐसे पीवाईक्यूज मिलना बड़ी मुश्किल हो जाती है, जहां पर आपको पीछे के सारे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। 10 साल के मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं ज्योग्राफी और साइंस के। इसको tabahi.com कहिए, समझिए, इसको तबाही मचा देनी है इसको सबके साथ। ठीक है ना, फोल्ड माउंटेन्स का क्रिएशन होता है टू और मोर अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में कन्वर्ज होती हैं। इसके अलावा हम ये देखें कि ये कहां पर है, ये अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के पश्चिम में है, और ये पूरा का पूरा स्ट्रेच होता है पूरे के पूरे साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट है उसमें स्ट्रेच होता है। यहीं पर दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान मरुस्थल अटकामा भी यहीं पर है। यहीं पर है हमारा
पेरू, पेरू कोस्ट भी यहीं पर है। पेरू के जो 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 तट है जिससे एल नीनो या ला नीना जैसी मॉनसून संबंधी जो घटनाएं होती हैं, जो भारत के मॉनसून को विचलित करती हैं, जो ट्रांसफॉर्म करती हैं, पेरू कोस्ट वो भी यहीं पर है। वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट डेजर्ट रीजन अटाकामा भी इसी पर, इसी रीजन में हमको मिलता है। गुड मॉर्निंग वैष्णवी, राइट, समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां तक क्लियर है ना बेटा? देखते हैं कि टॉप टेन कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पर हमको मिलता है एंडीज, जो कि है साउथ अमेरिका में। फिर मिलता है रॉकी 6035, हिमालय और काराकोरम नंबर 3 पर है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि है किसकी, कोरल रीफ से बनी हुई, ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर हमको मिलता है 6321। ट्रांस अटलांटिक या अंटार्कटिका 6541। ब्राजीलियन ईस्ट कोस्ट रेंज जो है, जो कि कहां पर है, साउथ अमेरिका में, ये इसके बाद है। सुमात्रा या जावा रेंज, तियानशान, ईस्टर्न घाट्स एंड देन यूराल। इसी को हम देखें तो मैप पर देख लेते हैं फटाफट। यहां पर हम देखेंगे कि कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं जो फोल्ड माउंटेन से बन के आए हैं, जैसे रॉकीज, एंडीज, एटलस, हिमालय, राइट, ये सब फोल्ड माउंटेन्स हैं। ये दिख रहा है आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यूराल जो यूरोप और रशिया को डिवाइड, यूरोप और एशिया को डिवाइड कर रहा है, यूराल। ये है एल्प्स, सेंट्रल एशिया को डिवाइड करने वाला, सेंट्रल यूरोप को डिवाइड करने वाला। पामीर नॉट, पामीर का पठार। कुनलुन, हिमालय का चीन की तरफ विस्तार, हिमालय का पूर्वी विस्तार, कुनलुन। राइट, ये सभी सभी कहां हैं? इसको एक बार हम वर्ड पर भी देख लें। ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मेरे बच्चे। यहां पर है एंडीज, ये है अमेजॉन रिवर, रॉकी माउंटेन्स। मैं आपको मैप पर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि लास्ट टाइम है, इस टाइम चीजों को मैप दिमाग में भर लेना है, और दिमाग में भरने के लिए विजुअलाइजेशन से अच्छा कोई और तरीका नहीं होता है। एटलस माउंटेन्स, इन सबको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। जो लोग ज्वाइन करेंगे, जिनका बैच अभी, जो लोग नए बैच में ज्वाइन करेंगे, इन सबको बेटा हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ है, कैसे बनेगा, क्या 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 तरीके हुए हैं, इन सब पर हम यहां पर बात करेंगे, है ना? इन सब पर हमें यहां पर बात करनी है, राइट, क्लियर है? आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान, वाह क्या बात है, अब ये भी मत गलत कर जाइएगा, कोई बात नहीं प्रियंका, क्लास को लगातार ताबड़तोड़ शेयर करते रहिए। सबसे शुष्क रेगिस्तान सहारा, सोनोरान, टकला मकान, अटाकामा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट डेजर्ट क्या है? सहारा है,
सोनोरान है, टकला मकान है, अटाकामा है, नन ऑफ द अबव मोर देन वन। फटाफट मत गलत करिएगा, इसको तो बताया हुआ क्वेश्चन है, अभी बताया, मत गलत करिएगा बच्चा, फटाफट करिए। जी हां, इसका आंसर है बिल्कुल अटाकामा, इसका आंसर है अटाकामा मरुस्थल। कहां पर है ये अटाकामा, कुछ बताएंगे? अभी बताया था मैंने, ये कहां पर है, ये है साउथ अमेरिका में, और ये ड्राइएस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद जी, बिल्कुल सही आंसर आया है, सही आंसर आया है सबका। अटाकामा साउथ अमेरिका के चिली में है ये, और ये ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट है। ज्यादातर जो डेजर्टेड रीजन हमको मिलता है, अब यहां पर समझिएगा, डेजर्ट का मतलब बेटा रेगिस्तान मत समझिएगा आप लोग, इसको हम लोग ड्राइएस्ट प्लेस भी कह सकते हैं। ज्यादातर जो ड्राइएस्ट प्लेस हैं हमारे, वो हमारे पोलर रीजन है, लेकिन अटाकामा जो ड्राइएस्ट रीजन है ये नॉन पोलर रीजन है। ये कहां पर है, ये एंडीज माउंटेन रेंज पर ही स्थित है, और चिली कोस्ट माउंटेन रेंज पे 1600 किलोमीटर की रेंज पर, पैसिफिक कोस्ट पर है ना। ये रीजंस है यहां पर, क्या रीजंस है, पहला बात, पहला आता है टेम्परेचर इन्वर्जन, तापीय प्रतिलोमता, क्योंकि जो हम्बोल्ड का जो ओशन करंट है ये फ्लो करता है टुवर्ड्स द नॉर्थ, इसीलिए तापीय विलोमता के कारण ये शुष्क प्रदेश पड़ जाता है, और यहां पर बहुत ही मजबूत पैसिफिक एंटी साइक्लोन चलता है, प्रशांत का प्रति चक्रवात चलता है। जिस वजह से इसको डेजर्टेड बना देते हैं। चिली पेरू को टच करती है बेटा। नॉन पोलर का मतलब हो जाता है अध्रुवीय, ध्रुव क्षेत्र में नहीं है ना ये। अगर हम अटाकामा को देखें तो ये पोलर जन तो है नहीं, ना ये आर्कटिक में आता है, ना ये अंटार्कटिका में आता है, ये तो नॉन पोलर रीजन में है ना अटाकामा, है ना? ये आर्कटिक में तो है नहीं, ना अंटार्कटिक में है मेरे बच्चे, है ना? तो ये कहां पर आता है, समझ में आ रहा है? चलिए आइए, दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है? दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है? Which country accounts for almost half of the world's largest dams? क्या वो भारत है, क्या वो रशिया है, क्या वो साउथ अमेरिका है, क्या वो कनाडा है, या वो एक से अधिक उपरोक्त में से कोई नहीं है? विच कंट्री अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम्स? क्या वो इंडिया है, क्या वो रशिया है, क्या वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, क्या वो कनाडा है? नन ऑफ द अबव मोर देन वन। जल्दी फटाफट बताइए। जी हां बेटा जी, इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों सर? सर इसलिए क्योंकि ये काम जो है ये चाइना का है,
है ना, ये काम जो कर रहा है मेरे बच्चे, ये चीन कर रहा है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। दुनिया के जो बड़े बांधों का लगभग आधा हिस्सा जो है वो कहां पर है, वो चीन में स्थित है। इसके पश्चात अमेरिका और भारत का स्थान आता है। है ना, कहां पर है वो, चाइना में है। पहले नंबर पर आता है चाइना, फिर आता है यूएस और फिर आता है इंडिया। इसीलिए आंसर गलत हो गया। क्या बात है, सबका गलत है, वाह वाह, क्या बात क्या बात क्या बात, मजा आ जाता है, है ना। जी हाँ, पहले नंबर पर है चाइना, दूसरे नंबर पर है यूएस एंड थर्ड इज इंडिया। ई मोर देन वन, नहीं, नन ऑफ द अबव। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। मेरा कोट मत भूलिएगा भाई आप लोग, ए मिश्रा, राइट। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, ये अगर गलत किए कंपटीशन से अपने आप को सीधा बाहर कर लेना, ये कंपटीशन में रखने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये कोई नहीं गलत गलत करेगा। अगर इसको आपने गलत कर दिया तो भाई साहब आप बाहर हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन पर लगभग 7,000 लोग मिलेंगे आपको, एक क्वेश्चन पर, तो 7,000 के पीछे हो जाएंगे आप। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस मेरे बच्चे कौन सी है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इट इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फियर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन, या आर नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। बिल्कुल सही आंसर आया है, आंसर इज नाइट्रोजन। सबसे प्रचुर मात्रा में जो पाई जाने वाली गैस है वो है बच्चा नाइट्रोजन। कितना, अरे भाई ये है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, दोनों को मिला दो तो 99%, और 1% में जो हो जाएगा वो अदर्स हो जाती हैं, 0.03% पर आ जाता है CO2। ठीक है ना, सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। राइट, समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, नाइट्रोजन जो है वो 78%, ऑक्सीजन 20.95%, मतलब लगभग 21%, आर्गन 0.93% और CO2 0.036%। ठीक है, नो एसी, हमें एसी का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एसी से निकलता है क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्रोमीन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है ना, यही कोड है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और CO2। कितना परसेंट है, नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 20, आर्गन 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.036। ठीक है, आइए क्रॉल एक प्रकार की निर्मित संरचना है, क्रॉल,
क्राल इज अ टाइप ऑफ बिल्ड स्ट्रक्चर, कहां पर? दक्षिण अफ्रीका की, दक्षिण अमेरिका की, पूर्वी यूरोप की, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की। बताइए क्राल क्या है? दक्षिण अफ्रीका की, दक्षिण अमेरिका की, पूर्वी यूरोप की, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। बताइए फटाफट। बिल्कुल सही आंसर आया है। ये क्राल क्या होता है? ये दक्षिण अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की एक संरचना है, ये स्ट्रक्चर है। ये एक झोपड़ी नुमा घर होता है क्राल। कहां से? कहां की? कहां की है? अफ्रीका की है। ये एक झोपड़ी नुमा घर होता है, अफ्रीकन ट्राइब्स होते हैं। ठीक है, समझ में आया? राइट, कहां पर होते हैं ये? फाउंड इन अफ्रीका। ओके, आइए। बिहार एज एन इंडियन स्टेट वॉज फाउंड, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था कब? 1911 में, 1912 में, 1936 में, 2000 में। कब बना था भारतीय राज्य के रूप में बिहार, मेरे बच्चे, कब बना है? 1911 में, 1912 में, 36 में, 2000 में। None of the above, more than one, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, आंसर है बिल्कुल 1912 में, है ना? बिल्कुल सही बात है, 1912 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। क्योंकि हम जब हिस्ट्री को देखते हैं 1912 को, तो 1 अप्रैल 1912 को बिहार जो था ये अलग हुआ था किससे? अलग हुआ था किससे? ये ठीक है ना, इसको अलग प्रेसिडेंसी बनाई गई थी। क्योंकि पहले क्या था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये एक प्रेसिडेंसी थी, इट वॉज अ कॉमन प्रेसिडेंसी। ठीक है ना, ठीक है। इसका लास्ट में
जो अभी विभाजन हुआ है, लेटेस्ट पार्टीशन जो हुआ है, समझिए 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा कार्व्ड आउट एज अ सेपरेट प्रोविंस, द बिहार बंगाल एंड उड़ीसा एंड असम लॉ एक्ट 1912 में, 22 मार्च 1912 कार्व्ड आउट, मार्च 12 इज सेपरेट एज द फाउंडेशन डे ऑफ बिहार, 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा बिकेम सेपरेट प्रोविंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1 अप्रैल 1936 को सर जेम्स डेविड सिफ्टन ने अपॉइंट किया गया था पहला गवर्नर ऑफ बिहार, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार किया गया था, जबकि मोहम्मद यूनुस को डिक्लेयर किया गया था फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, 2000 में झारखंड को कार्व किया गया था बिहार से, राइट 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया था, झारखंड जो है ये इंडस्ट्रियल बेल्ट थी, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बिहार इज जियोलॉजिकली ओल्डर इन एज रिलेटिवली, बिहार के निम्न में से कौन सा हिस्सा, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, रोहतास प्लेट्यू, रोहतास का पठार, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियां, खड़गपुर की खड़गपुर हिल्स या खड़गपुर की पहाड़ियां, नॉर्थ गंगा प्लेन्स या उत्तरी गंगा का मैदान, नन ऑफ द अबव मोर देन वन, फटाफट। बिल्कुल सही आंसर आया है, लेकिन आप लोगों को गलत है, शिवम कुमार का आंसर सही है ए, रोहतास प्लेट्यू जो है ये भूतात्विक दृष्टि से सबसे पुराना है, जो कहां पर है, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में, यहीं पर देवदारी फॉल्स भी है, यहीं पर ओरोंग या कुरुख जिनकी भाषा जो है ओरांव, इनको हम कुरुख भाषी भी बोलते हैं, ये ट्राइब्स रिसाइड्स इन दिस प्लेटू। फिजियोग्राफिकली अगर हम देखें तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, शिवालिक रेंज में, बिहार प्लेन्स में बिहार को, और योर सदर्न प्लेट्यू रीजन को, ठीक है ना, रोहतास प्लेट्यू को भी हम कैमूर प्लेट्यू भी कहते हैं। अभी रिसेंटली में हमें यह पता चला है कि रोहतास प्लेट्यू जो है क्या मिला है, स्वर्ण भंडार मिले हैं, गोल्ड डिपॉजिट्स फॉर्म हमको मिले हैं, गोल्ड रिजर्व्स हमको मिले हैं यहां से,
ठीक है ना। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है हमारा कैमूर रोहतास प्लेट्यू, बिहार के क्षेत्र में आपको दिखाएं अगर यहां, इसको हम साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू भी कह रहे हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ बिहार इज कवर्ड बाय, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है माउंटेनियस सॉइल से, एलुवियल सॉइल से, रेगुर सॉइल से या तराई मिट्टी से, या नन ऑफ द अबव मोर देन वन। बताइए उपरोक्त में से किन स्थानों पर बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है? हां जी, रोहतास में पाए गए हैं। बिल्कुल भाई, आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना डिसलाइक कर रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है जी? हाँ, और मैं बता दूं बेटा, आप लोगों के लिए 22 और 23 सितंबर को, आज और कल के लिए, जो हमारे रेगुलर पास यूजर्स हैं, हमारे जो हम लोग का पास यूज करते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर आया है। क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों को तैयारी करनी होती है, आप लोगों की तैयारी को और मजबूत कदम देने के लिए 22 और 23 सितंबर को हम लोगों ने लॉन्च किया है बच्चा, क्या चीज समझिए, क्या चीज, लॉयल्टी सेल है ये। यहां पर आपको मेरा कोड यूज करने पर, ए मिश्रा कोड यूज करेंगे अगर आप, तो आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट ऐसा नहीं है कि हम रेट बढ़ाकर डिस्काउंट करते हैं, नहीं, जो रेट था उसका 50% आपको मिलेगा, और प्लस आपको 25% का एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी। ठीक है ना, बिल्कुल आंसर सही है इसका, ये है कछारी मिट्टी, या इसको हम जलोढ़ मृदा भी कह रहे हैं। क्योंकि जो बिहार है इसके बीचों बीच से जा रही होती है गंगा, और जो जलोढ़ मृदा है ना, ये नदियों के डिपॉजिट से आता है, नदियों के निक्षेप से, मतलब सेडिमेंट्री डिपॉजिट से आता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? जब हम जलोढ़ की बात हम यहां पर कर रहे हैं, दो प्रकार का होता है, एक है बांगर और एक है खादर। बांगर की बात करें तो ये नवीन है, ये प्राचीन है, और ये नवीन है। ठीक है ना, क्लियर है मेरे बच्चे?
ये ज्यादा फर्टाइल होती है जो खादर है, राइट, जो खादर है ये ज्यादा फर्टाइल है, ठीक है. Found in the northeastern section of West Champaran district and paddy cultivation in the prevalent in this soil. Spread over an area of Bihar and is primarily because of the sediments saved by Indo-Gangetic Brahmaputra streams. Rice, sugarcane, tobacco, cotton, jute, etc. क्लियर. ये है हमारा तराई क्षेत्र. ऊपर की तरफ उत्तरी क्षेत्र हमारा क्या है, ये तराई क्षेत्र है, राइट. नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है यहीं पर हमको मिलता है बांगर मिट्टी, इसी को हम बलसुंदरी भी कहते हैं. ये पुरानी जलोढ़ है, बांगर को ही हम बलसुंदरी भी कह रहे हैं, जो कहां पर पाए जा रहे हैं, नॉर्थ वेस्टर्न पे. माउंटेनियस जो पा रहे हैं वो हमें मिल रहा है कहां पर, सोमेश्वर की पहाड़ी पर. ठीक है ना. किशनगंज और जो हमारा पूर्वी एरिया है और जो दक्षिण जो हमारा गंगा का मैदानी क्षेत्र है यहां पर हमको मिलता है खादर. लाल मिट्टी को हम बलधर मिट्टी भी कह रहे हैं, जो लाल पीली और काली मिट्टी है, रॉक क्ले है ये. यस, बेस्ट सॉइल इज एलुवियल. बिल्कुल कोमल जी, बेस्ट सॉइल जो है वो एलुवियल सॉइल है. चलिए, विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज हैज पोटेंशियल एंड प्रोपरेंस प्रोस्पेरेंस इन बिहार. बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं. ऑयल रिफाइनरीज, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, सैंड माइनिंग इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, नन ऑफ द अबव. किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा और संभावनाएं हैं, पोटेंशियल्स और प्रोस्पेक्ट्स हैं बिहार के. जल्दी आइए. बिल्कुल सही है. अभी सुबह की क्लास में मैंने इसको डिस्कस किया है कि जो बिहार है पार्टीशन के बाद, देखिए बिहार पहले जो था ये एग्रीकल्चर भी था और इंडस्ट्रियल भी था, है ना, प्री पार्टीशन. लेकिन जब इसका क्या हो गया, पार्टीशन हो गया, है ना, पोस्ट पार्टीशन की अगर हम बात करें जो कि झारखंड से हुआ, तो झारखंड से जाने के बाद क्या बना, झारखंड से जाने के बाद ये हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया रीजन था ये कट गया. तो अब क्या रह गया बिहार में, अब ये मेजरली जो है
एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पर रिलाय करता है। मेरे बच्चों, जब हम एग्रो बेस की बात हम कर रहे हैं, ये मतलब हो गया कृषि आधारित, जैसे गन्ना, जैसे मक्का, जैसे जूट, है ना, जैसे आपका तंबाकू, टोबैको, एक्सेट्रा। राइट, बिहार को देखें तो 10% जो है टोटल मेज प्रोडक्शन का ये करता है इंडिया, पूरी कंट्री में। शुगर केन का जो प्रोडक्शन है वो 13 मिलियन मीट्रिक टन का है। लीची में जो मुजफ्फरपुर है 0.28 मिलियन है। मैंगो आम के में कितना है, 1.4 मिलियन मीट्रिक टन है, जो कि 9% है। शहद उत्पादन में 1300 मिलियन टन है, जो कि 14% है टोटल नेशनल प्रोडक्शन का। तो यहां पर हाँ बिल्कुल आज ही वाली क्लास में बताया मैंने, है ना, राइट। आइए, इन विच ईयर दैट स्टेट झारखंड केम इनटू एक्जिस्टेंस। हद आसान क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। अब इसमें क्या बताना महाराज, ये तो आंसर 2000 हो ही जाएगा, 15 नवंबर 2000। अब ये बता दो मुझे, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बिहार फाउंडेशन दिवस कह सकते हैं, स्थापना दिवस। ठीक है ना, चलिए बिल्कुल सही आया। 2000 में तीन स्टेट्स हुए अलग हुए थे, कौन कौन से, अलग अलग तारीख को अलग अलग। झारखंड हुआ था 15 नवंबर को, 1 नवंबर को हुआ था छत्तीसगढ़, और उसी दिन हुआ था उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ को निकाला गया था मध्य प्रदेश से, जबकि उत्तराखंड को निकाला गया था उत्तर प्रदेश से, झारखंड को निकाला गया था बिहार से। 29वां जो राज्य बना, राइट, वो 2000 में आंध्र प्रदेश को काटकर तेलंगाना निकाला गया। ठीक है, यहां पर हम कुछ देख लेते हैं, जैसे सिक्किम को बनाया गया 87 में, गोवा को, सिक्किम को बनाया गया 75 में, त्रिपुरा को 72 में, मेघालय 72, मणिपुर 72, 71 में बना हिमाचल प्रदेश, 66 में बना, 66 में बना है हमारा पंजाब, नागालैंड 63, गुजरात 60, और महाराष्ट्र भी बना है 60 में। मजा आ रहा है, क्लास में मजा आ रहा हो तो क्लास को शेयर करते रहिए। ठीक है, ये सब चीज के बेटा फिर सिया आते ही क्वेश्चन शुरू। ये हर स्टेट के लिए है, स्टेट पीसीएस के लिए है, कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन देखा है आपने, क्वेश्चन जाके देखिए बेटा, आप सिलेबस देखिए, राइट, ये यूपी पीसीएस के लिए भी है और बीपीएससी के लिए भी है, यूके पीएससी के लिए भी है।
ठीक है, व्हेन डिड बिहार बिकेम अ सेपरेट प्रोविंस इन इंडिया, बिहार कब भारत का एक स्वतंत्र प्रदेश बना, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, गलत मत करिएगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, गलत मत करिएगा, जल्दी से बताइए फटाफट। बिल्कुल 22 मार्च 1912 को, 13 को नहीं, अरे गदर काटे हैं महाराज, सोम चंदा जी, चांदनी कुमार, कुमारी राज जी, बिल्कुल ऐसा मत करिए, 12 आंसर हो जाएगा आपके अनुसार, तो 13 होना ई होना चाहिए, लेकिन ये आंसर क्या है 1912 में, है ना। हाँ जी, 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को कार्व आउट किया गया सेपरेट प्रोविंस की तरह बंगाल से, इसीलिए 22 मार्च को क्या कहला जाता है, फाउंडेशन डे मनाया जाता है। 1 अप्रैल को बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया, और 1 अप्रैल 1936 को ही जेम्स डेविड सिफ्टन को पहला गवर्नर जनरल पहला गवर्नर बनाया गया, और मोहम्मद यूनुस को डिक्लेयर किया गया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। 2000 को झारखंड वॉज कार्व्ड आउट ऑफ बिहार, पहला प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, मोहम्मद यूनुस को, क्वेश्चन बनाया गया है ये, तिरपनवी बीपीएससी में। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेट्यू, कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। देखिए सिया जी, आप कह रही थी कि सर ये तो बीपीएससी का है, ये यूपीएससी का, ज्योग्राफी का है, मेघालय प्लेट्यू का भाग नहीं है। भुवन पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां, जयंतिया पहाड़ियां, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव मोर देन वन। बिल्कुल सही बताइए, आंसर आ चुका है भुवन की पहाड़ी। देखो गारो, खासी, जयंतिया ये मेघालय पठार के का ही एक्सटेंशन है, जबकि क्या है हमारा, भुवन पहाड़ी नहीं है, है ना। अगर हम देखें तो ये है हमारे पूर्वांचल और मेघालय पठार के कुछ हिल्स, ठीक। आइए, पास विच इज सिचुएटेड एट द हाइएस्ट एलिवेशन, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, जोजिला, रोहतांग, नाथुला या खैबर, सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है जोजिला, रोहतांग, नाथुला या खैबर।
जल्दी, नाथुला दर्रा जो है ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। नाथुला दर्रा कहां पर है? सिक्किम में। रोहतांग जो है ये 3978 पर है, नाथुला जो है वो 4310 पर है। जोजिला पास ये 3528 पर है। खैबर जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है वो है 1070 पर। समझ में आया मेरे बच्चे? जब हम खारदुलक पास की बात हम करते हैं तो ये लेह और सियाचिन को जोड़ता है, नाथुला जोड़ता है सिक्किम को चाइना से, शिपकिला पास जोड़ता है हिमाचल और तिब्बत से, जेलेपला जोड़ता है सिक्किम और लहासा से, अगहिल पास लद्दाख और किन्जियांग प्रोविंस ऑफ चाइना को जोड़ता है, और लनकला ये कनेक्ट करता है लद्दाख और लहासा को। ये हम पढ़ा चुके हैं आपको क्लास में, डिटेल में बात करने के लिए आप लोग फटाफट ज्वाइन करिए। ये हमारा नया बैच आ चुका है, बिल्कुल सुपर कोचिंग का नया बैच है, लॉन्चिंग है इसकी, जिसमें अभी आप अगर मेरा कोड यूज करेंगे ए मिश्रा, आज और कल के लिए धमाकेदार ऑफर है। जिन लोगों ने पास यूज किया है टेक्स्ट बुक का, राइट, उनको तुरंत 50% का डिस्काउंट मिलेगा अगर मेरा कोड यूज कर रहे हैं वो लोग। 50% का ऑफर है, कोड यूज करना है AMISHRA। ठीक है, ठीक है बच्चा, आइए। करेवा क्या है? जो यूजफुल है कल्टीवेशन ऑफ जाफरान के लिए, जाफरान का मतलब सैफरन, केसर के लिए उपयोगी है। कहां पर पाया जाता है? कश्मीर घाटी में, कश्मीर हिमालय में, गढ़वाल हिमालय में, नेपाल हिमालय में या पूर्वी हिमालय में। करेवा अभी कल का करवाया हुआ क्वेश्चन है मेरा। ये करेवा हमने बताया था आपको केसर उसके उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है, कहां पर पाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, जल्दी से आंसर किया है बिल्कुल सुहान ने, बिल्कुल जी आंसर सही है, कश्मीर हिमालय में, ना गढ़वाल, ना हिमालय, ना नेपाल, ना पूर्वी। बेसिकली होता क्या है, ये जब रिफ्ट बनी उसके जो डिपॉजिट्स बने कश्मीर घाटी में, इसी को हम क्या कहते हैं? करेवा। समझ में आया? करेवा घाटी, ये थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल क्ले है ये, राइट। यहां पर क्या बनता है हमारा? यहां पर केसर का उत्पादन होता है, राइट। इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ना है आपको, राइट। तो अब आपको ज्वाइन करना है किसको? हमारे चैनल को, टेलीग्राम चैनल को, जो कि है ये, जहां पर आपको डेली पीडीएफ और वाईटी सेशंस मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगी, वीकली ग्रुप डिस्कशन होगा, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा हमसे संडे को, पोल्स पर आप हमसे बात कर सकते हैं, मतलब आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं हमसे हफ्ते में किसी एक दिन हम लोग बात कर सकते हैं, इस पर करते हैं, राइट। क्यूआर कोड कर स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम ग्रुप, राइट। आज का ऑफर है ए मिश्रा यूज करेंगे अगर आप, तो आज आपको मिलेगा 50% का ऑफ प्लस 25% की वैलिडिटी। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतने ही रखते हैं बच्चे। अभी तुरंत 12 बजे हम लोग मिलेंगे अभी साइंस की क्लास के लिए। सभी लोगों को आना है, क्लास को शेयर करिए। थैंक यू।